गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हो गया सेकंड डे इन ऊटी एंड दो दिन बहुत एंजॉय किया, कल तो बहुत एंजॉय किया, नाया ने भी बहुत मस्ती की। एंड आज का जो प्लान है वो कुन्नूर एक्सप्लोर करने का है। ठंडा हो रहा है अभी मॉर्निंग में। सो कुन्नूर बेसिकली हम टॉय ट्रेन से जाएंगे, टॉय ट्रेन बुक्ड है हमारी ऊटी टू कुन्नूर, तीन चार घंटे का ब्रेक है बीच में, तो हम कुन्नूर एक्सप्लोर करेंगे एंड देन फिर इवनिंग में कुन्नूर टू ऊटी हमारी रिटर्न टॉय ट्रेन है। सो बस अभी थोड़ी देर में रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। अनाया और शाहनवाज अभी लेटे ही हुए हैं, मैंने कहा मैं जाती हूँ क्योंकि व्लॉग भी एडिट करना है एंड बस मज़ा आ रहा है। सो बहुत सुकून है, वैसे भी हिल स्टेशंस पे जो ये गेस्ट हाउस होते हैं, कॉटेजेस होते हैं, तो बहुत शांत। देखें बर्ड्स बोल रही हैं, हल्की हल्की धूप है, सूरज निकल रहा है अभी, ये देखें। सो बस चलें, रेडी होते हैं फिर मिलती हूँ। ये देखें मेरे पीछे पीछे अनाया मैडम आ गई हैं। गुड मॉर्निंग, ठंड लग रही? ऐसे करो फॉग निकलेगा तुम्हारे मुंह से। पापा उठ गए। ये निकल रहा है सूरज, सन इज राइजिंग। हेलो, वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे देखिए मैडम फोटो खींच रही है मामा के साथ, नमाज कार्ड निकाल रहे हैं। खींचो खींचो खींचो, कैसे लोगी? चलो आई विल कैप्चर दिस। सो वी आर रेडी। चले लेट्स गो। तो बस हम निकले हैं अभी स्टेशन के लिए, ऊटी रेलवे स्टेशन, जहां से मिलेगी हमारी टॉय ट्रेन। रेलवे स्टेशन पास में ही है, अराउंड 3 किलोमीटर एंड वी हैव रीच्ड। सो मेक श्योर जो टॉय ट्रेन आप लेंगे वो टिकट्स आपने पहले से बुक किए हो, आप पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। ऊटी टू कुन्नूर एंड कुन्नूर टू ऊटी सेम डे रिटर्न टिकट्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत रश होता है तो सेम डे टिकट्स पॉसिबल नहीं हो पाते। सो बस अब करेंगे ट्रेन का वेट। 9:15 मॉर्निंग की ट्रेन ली है हमने, जो अराउंड 10 o'clock पहुंचेगी। एक घंटे का रन है ये एंड ट्रेन आ गई। इधर से मैंने एसी टिकट्स किए हैं, रिटर्न नॉन एसी किए, ताकि हम दोनों का लाइक एक्सपीरियंस ले पाए। ये देखिए दिस इज आर एसी कंपार्टमेंट, छोटा सा कंपार्टमेंट है, 6 seater है ये, 3 and 3। एंड लकीली हमारे कंपार्टमेंट में और कोई नहीं आया, तो बस हम 4 लोग थे। एसी जो है वो फिर पूरा ग्लास से कवर्ड होगा, आप बाहर झांक नहीं सकते बेसिकली। एंड नाउ एंजॉय आवर ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम ऊटी टू कुन्नूर। एंड 1 hour बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी अच्छे साइट सीन्स व्यू। और अब हम पहुंच गए हैं कुन्नूर। कुन्नूर में हमने कैब बुक कर ली है ऑलरेडी, जो हमें ऊटी स्टेशन पे ही गाइड मिल गया था, बिकॉज आपको पता नहीं, फिर आप गूगल करोगे कि क्या है आसपास, कहाँ जाए, फिर लोकल आपको कैब लेनी पड़ेगी, तो बेटर है
कि आप 4 घंटे के लिए कैब बुक कर लो, बिकॉज 4 से 5 घंटे हैं अभी हमारे पास कुन्नूर एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर वो ख़ुद से साइट सीन भी आपको प्रॉपर दिखा देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है सिम्स पार्क, ये पास में ही है रेलवे स्टेशन के, एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ह्यूज पार्क है ये। और जाते ही देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉर्नर पे, जो आपका फ़ोटो सेशन करेंगे इन दिस आउटफिट, जैसे वो आप पत्तियाँ, चाय पत्तियाँ बागान में हो एंड उसको आप तोड़ते हो, पीछे देखिए। सो हमने भी करा है, हमने कहा इट्स फन, मेमोरी होती है एक। सो हमने ये फ़ोटो सेशंस करा है। ये देखिए बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, फ्लावर्स, प्लांट्स, फुल ऑफ ग्रीनरी। आएंगे तो मजे आ गए। बीच में लेक है, साइड में पार्क है, और पार्क देखते ही अनाया मैडम भाग गई, और यहाँ देखिए स्विंग कर रही है। बहुत सुकून, बहुत शांत, कोई क्राउड नहीं। What? Peasy, lemon squeezy, easy peasy. गंदा लग रहा कटिंग का। एंड वहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद फिर हम आ गए डॉल्फिन नोज़। यहाँ से भी गाइड ने बताया कि बहुत अच्छा व्यू दिखता है पूरा कुन्नूर। एंड बीच में रुके हम इस स्टॉल पे, जहाँ पे ग्रीन टी, अलग अलग फ्लेवर की चाय, मसाला टी, जिंजर टी, और देखिए बता रहे थे कि आपको इसे गर्म पानी में डालना है, देन फिर इसकी जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, देन स्ट्रेन करके आप इसे पिए। इट्स अ हर्बल ग्रीन टी। एंड फिर हम पहुंच गए डॉल्फिन नोज, एंड यहाँ पर देखें क्लाउड्स ही क्लाउड्स, ये जो फॉग जैसा दिख रहा है दीज आर क्लाउड्स। तो नीचे का तो विजिबिलिटी नहीं थी, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंकीज तो आपको हर जगह मिलेंगे, छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पर। दिस इज डॉल्फिन नोज, ऐसे नोज की तरह एक पॉइंट उन्होंने बना रखा है। अनाया को तो बहुत मजा आता है, मतलब उन्हें पिकनिक, ऐसे घूमना, होटल्स में रुकना, रेस्टोरेंट्स में खाना। ये देखें सिर्फ क्लाउड्स दिख रहे थे, नीचे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी। एंड इसके बाद एक और साइट सीन है लैम रॉक, फिर हम वहाँ के लिए निकले। तो बेसिकली कैब करने का बेनिफिट ये हुआ कि हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ा,
एंड आई थिंक 1800 या 1800 में ये पूरे दिन के लिए कैब मिल गई थी एंड दैट इज़ आई थिंक वर्थ इट। ना एंजॉय करें कुछ फोटोज। अच्छा रहा सामने देखो। यस तो हम आ गए लैम रॉक। ये बिल्कुल जंगलों के बीच में इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से रास्ता है एंड फिर ऊपर एक पीक पे जाके ये ज्वाइन करता है। ये देखिए एंड यहाँ पे मिल गए हमें कुछ फोटोग्राफर। वो बोले रिक्वेस्ट करने लगे तो हमने कहा चले सॉफ्ट कॉपीज़ हमने उनसे कुछ 15-20 फ़ोटोज़ के बनवा ली थी। तो वो यहाँ पर हमें बता रहे थे कैसे करना और अनाया को तो बहुत मज़े आ रहे थे उनको नए नए स्टाइल्स बनाने में। कभी हार्ट कभी यहाँ पे बैठना है तो शी एंजॉयड। तो हमने कहा चलो इनका भी थोड़ा भला कर देते हैं, बेचारे इतनी बैठे हैं यहाँ पर कि कोई फ़ोटोज़ खिंचा ले। और ये मैडम थक गई एंड पहाड़ों पे आए तो पहाड़ वाली मैगी और ब्रेड ऑमलेट तो बनता है। एंड उसके बाद हम गए टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन तो हम मुनार भी गए हैं, वहाँ पे भी बहुत ही अमेजिंग है। साउथ में है ही आपको प्रॉपर ग्रीनरी साइट सीन हर जगह पर। मतलब मैं तो रिकॉर्ड करते करते भी थक गई कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ। हर सीन हर रास्ता आपको बिल्कुल ऑसम लगेगा। इतना देखो चलो लेट्स गो। बाय बाय कुन्नूर। एंड फिर अराउंड 3:30 हम आ गए स्टेशन क्योंकि हमारी रिटर्न ट्रेन है 4 बजे की। एंड दिस इज नॉन एसी कंपार्टमेंट और इसमें भी लकली हमें जो मिला वो सिंगल सीट का था जिसमें हमारी चारों की सीट्स थी। तो दोनों रास्ते में लाइक दोनों तरफ से हमें सिर्फ हम ही थे कंपार्टमेंट में और कोई नहीं। ये देखिए इस तरह की एक प्रॉपर बेंच टाइप जिसमें 4 लोगों की सीटिंग थी। इसमें बेनिफिट ये कि विंडो और डोर ओपन है, उसमें ग्लास है बट आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी रील्स बनाई, अनाया ने काफ़ी इन्जॉय किया बिकॉज बाहर एटलीस्ट आप थोड़ा देख रहे हो प्रॉपर। सो दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा था। ग्लास से भी आपको प्रॉपर दिख रहा था बट यहाँ पर ये कि यू कैन फील कि वो बिल्कुल पास से आपके सारे लाइक ग्रीनरी माउंटेन्स आपको दिख रहे, बीच में कोई भी गैप नहीं है। और वेदर अच्छा है तो उसमें आपको मज़ा ही आएगा आप चाहे एसी लो या नॉन एसी लो। ये देखें
सो बस ये था मेरा ऊटी टू कुन्नूर का व्लॉग, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया। कल जो है वो हमने ऊटी एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा पाइकारा फॉल्स यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। सो बस इसी तरह दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे एक नए और अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।